अब क्वेश्चन है आपका x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8, और आपको मान फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 है तो कंजुगेट से 1 अपॉन x की वैल्यू 3 माइनस रूट 8 हो जाएगी। देखिए तो आपको वैल्यू क्या करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो देखिए मित्रों यहां पर क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस का 2। के स्क्वायर का मतलब हो गया यहां पर आपका इस तरीके से होगा, ये इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो यहां पर 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ गई 3 माइनस 8, तो सीधे सीधे यहां पर वैल्यू रख देंगे क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 8 माइन प्लस का आपका हो जाएगा 6 रूट 8, यहां से हो जाएगा 9 प्लस 8 माइनस का 6 रूट 8, ये आउट हो जाएगा और यहां से आ जाएगा आपका 34। इस तरीके से मित्रों इसकी एक ट्रिक है क्वेश्चंस की कि यदि इनका जो है वर्क करने पर इनका डिफरेंस 1 ही रहे तो यहां पर क्या करते हैं, ये जो संख्या है इसका वर्क करके यानी 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में 4 की मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर देते हैं, तो इस प्रकार से आपका जवाब आ जाता है मित्रों। तो ये है इसकी ट्रिक। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपका x बराबर आपका दिया गया मित्रों 4ab अपॉन a प्लस बी, और क्वेश्चन आपको मान फाइंड करना है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, एक पहले सॉल्यूशन देख लीजिए इसका और फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। तो यहां से क्या करते हैं, यहां लिखा आपका मित्रों देखिए यहां पर लिखा है 4ab, तो इसको क्या कर सकते हैं 2a इंटू 2b कर सकते हैं मित्रों। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2, तो इसका जो सोल्यूशन होगा पूरे क्वेश्चन का उसका उत्तर हो जाएगा 2। थोड़ा सा इसके सोल्यूशन पर ध्यान दे लेते हैं, जरा समझ लेते हैं कैसे हो जाएगा। तो इसको देखिए यहां पर क्या करेंगे, x अपॉन 2a हमने कर लिया बराबर, यहां से बचेगा 2b अपॉन a प्लस b। इसमें अभी योगांतरा पर बात की थी उस पर बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मित्रों x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, तो बराबर यहां से क्या हो जाएगा मित्रों आपका 2b प्लस a प्लस b अपॉन में यहां से हो जाएगा 2b माइनस a माइनस का b, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a बराबर यहां से हो जाएगा मित्रों 3b प्लस a और यहां से हो जाएगा आपका b माइनस a। इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन फर्स्ट मान सकते हैं, इसी प्रकार से आपका जब हम x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2a 2b निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3a प्लस b अपॉन में a माइनस की v। तो इनको मित्रों ये क्वेश्चन इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी, इसको जब हम जोड़ेंगे x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स प्लस 2b, इनको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा मित्रों, यहां से x प्लस 2a यानी कि इसकी वैल्यू है 3b प्लस a और अपॉन में b माइनस a, यदि हम इसको माइनस करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा मित्रों माइनस का यहां से आ जाएगा माइनस का 3a और माइनस का b, तो यहां से क्या कॉमन हो गया आपका घट जाएगा यानी 2a बचा 2b बचा और यहां से क्या बचा माइनस का 2a। आप देख सकते हैं 2 कॉमन है और यहां से b माइनस a अपॉन b माइनस a और ये आउट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई मित्रों 2। तो इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन था, लेकिन आपको इस पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पर क्या है दोनों में 2 कॉमन था तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा जवाब 2। और इस प्रकार के मैं 3-4 क्वेश्चन और लिखने जा रहा हूं, उनके हमेशा जवाब आते हैं 2, तो इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इनको रट लीजिए इनके आंसर्स को। इसको एक ट्रिक मैंने जो बताई इस पर ध्यान देकर के x बराबर जैसे दिया गया है 2 इंटू अंडर रूट 24 अपान में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये गिवन है और आपसे मान पूछा जा रहा है x प्लस अंडर रूट 8 अपान में x माइनस अंडर रूट 8 प्लस x प्लस अंडर रूट 12 अपान में x प्लस अंडर रूट
मित्रों देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, आप देखिए वर्गमूल का क्या कॉमन है, वर्गमूल का चार कॉमन है, तो जवाब कितना हो जाएगा, दो। यहां से भी देख सकते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्गमूल से पूरी पूरी बाहर आ सकती है, तो वो है संख्या आपकी अंडर रूट चार, अंडर रूट चार की वैल्यू हो जाएगी दो। तो इस तरीके से इस भी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब मित्रों, दो हो जाता है। क्योंकि यहां पर देखिए मित्रों यदि आप इसमें से इसको घटा भी दें तो यहां से क्या होता है, या कॉमन ले लें तो कॉमन क्या ले सकते हैं, 12 और 8 में क्या कॉमन होगा, 12 और 8 में कॉमन होगा आपका 4, और 4 जब कॉमन होगा तो 4 की वैल्यू वर्गमूल कितना हो जाएगा मित्रों, 2। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का मान हो गया 2 आंसर। और अगला क्वेश्चन एक और लिखने जा रहा हूं, उसका भी देख लेते हैं आप। एक्स बराबर 2√6 अपान में लिखा है मित्रों √3 + √2, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है x प्लस रूट टू अपान में x माइनस रूट टू और प्लस x प्लस रूट थ्री अपान में x माइनस रूट थ्री। तो देखिए मित्रों यहां पर क्या होगा, यदि हम इसमें करें तो यहां से भी क्या कॉमन मिलेगा आपको मित्रों, यहां से भी इस क्वेश्चन में भी इसको लिखा जा सकता है 2√3 × 2√2। तो इन सॉरी यहां से क्या लिख सकते हैं, 2√3 × √2। तो मित्रों यहां से कुछ भी कॉमन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दो ही इसमें से एक्स्ट्रा है, तो दो ही जब एक्स्ट्रा है तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा आपका, 2। और लगाने का मेथड आप देख ही चुके हैं। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन अगला है, इसमें लिखने जा रहा हूं मैं एक्स बराबर आपका दिया गया 4√15 अपान में √5 + √3, और क्वेश्चन आपको आंसर क्या करना है, एक्स प्लस रूट 20 अपॉन एक्स माइनस रूट 20 प्लस यहां से एक्स प्लस रूट 12 अपॉन एक्स माइनस रूट 12। तो इसका भी मित्रों जवाब हो जाएगा 2। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को जान सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर भी अगर हम देखें तो सभी में क्या हो जाता है, इस प्रकार से आपका जवाब मिल जाता है। वीडियो देखने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।